Welcome to Daily Current Affairs. Today is 27th of September 2022. क्वेश्चन इज हु लॉन्च हमार बेटी हमार मान कैंपेन दैट इज़ छत्तीसगढ़ सो छत्तीसगढ़ ने क्या किया है हमार बेटी हमार मान कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है ठीक है क्यों किया गया है जो स्कूल और कॉलेज की जो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए उनको हम क्या करेंगे उनको अवेयर कराए करेंगे कि, कि किस किस तरह के हमारे पास वोमेन से रिलेटेड क्राइम है और आगे जाके वो क्राइम जो है वो फेस कर सकते हैं उससे उनको बचाना ठीक है लाइक बैड टच गुड टच और जो साइबर क्राइम्स हैं और दूसरे जितने भी क्राइम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं उनको क्या करना है उसके लिए अवेयर करवाना है ठीक है तो ये किसने किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने दैट इज़ हमार बेटी हमार मान दैट इज़ आवर डॉटर आवर ऑनर तो चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के दैट इज़ भूपेश बघेल सो छत्तीसगढ़ की कैपिटल दैट इज़ रायपुर छत्तीसगढ़ के सीएम एम दैट इज़ भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया यूके एमेजन टाईप विद विच कंपनी टू एस्टेब्लिश इस इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो अमेजन इंडिया है वो क्या कर रहा है वो एक सोलर पावर प्लांट जो है वो वो बना रहा है कहाँ पर राजस्थान में ठीक है राजस्थान में सोवर सोलर पावर प्लांट जो बना रहा है ये इनका सबसे पहला पावर प्लांट है ठीक है अब ये इन्होंने टाई अप किया है किस कंपनी के साथ दैट इज एम्पी एनर्जी एम्प एनर्जी हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है ये वाली कंपनी तो अमेजन ने इनके साथ क्या कर दिया है टाइप कर लिया है सो अमेजन एस्टेब्लिशिंग इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया ठीक है और ये सोलर प्रोजेक्ट है कहाँ पर दैट इज इन राजस्थान में इसकी इस पावर प्रोजेक्ट में हमारे पास तीन सोलर पावर प्लांट्स होंगे ठीक है टोटल ये तीन होंगे ऑफ 420 मेगावाट एक मेगावाट का होगा एक 210 मेगावाट का होगा और तीसरा 110 मेगावाट का होगा जो ये 100 मेगावाट वाला है इस इसके इसके लिए अमेजन ने टाइप किया है किसके साथ एम्प एनर्जी के साथ और जो 210 मेगावाट का है उ, उसके साथ किया है रिन्यू पावर के साथ इन्होंने टाइप किया है और 110 जो मेगावॉट वाला तीसरा प्रोजेक्ट है वो किया है वो अमेजोन ने आ, टाइप किया है किसके साथ ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल के साथ तो ये तीन प्रोजेक्ट हैं और ये टोटल बनाता है हमारे पास 420 मेगावाट मेगावॉट का सोलर पावर प्लांट तो ये कहाँ पे है दैट इज़ इन राजस्थान सो अमेजन के फाउंडर दैट इज जेफ बेजोस और आजकल अमेजन के सी है एंड जैसी नाउ ब्रेक थ्रू प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन मैथेमेटिक्स इज अवॉर्डेड टू दैट इज़ डेनियल ए स्पाइलमैन तो इनको क्या मिला है डेनियल ए स्पाइलमैन को क्या मिला है मैथेमेटिक्स में ये अवार्ड मिला है ब्रेक थ्रू प्राइज अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ब्रेक थ्रू प्राइज जो है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का नाम क्या रखा है दैट इज़ ऑस्करज ऑफ साइंस ठीक है और जो ये ब्रेक थ्रू प्राइज़ है ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये इसका एडिशन है ठीक है एलेवंथ एडिशन है और ये पहली बार इसको क्या बोल रहे हैं ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड बोल रहे हैं इसमें हम तीन क्षेत्र में देंगे तीन डिफरेंट डिफरेंट जो एक क्षेत्र है उसमें हम इसको देंगे दैट इज वन है मैथमेटिक्स दूसरा है फिजिक्स तीसरा है लाइफ साइंस तो ये तीनों आपने याद रखने हैं ठीक है ठीके? और उसमें से जो मैथमेटिक्स है वो सिर्फ एक बंदे को मिला है तो उसका नाम है डेनियल ए स्पाइलमैन ये कहाँ के येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ठीक है तो ब्रेक थ्रू प्राइस और जो हमारे पास फिज़िक्स के हैं और जो हमारे पास लाइफ साइंसेस के हैं उसमें पाँच छः छः लोगों को ये अवार्ड दिया गया है तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ डेनियल ए स्पाइल ना विच सिटी रैंक्स नंबर वन इन ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो द आंसर इज न्यूयॉर्क सो पहले नंबर पर हमारे पास न्यूयॉर्क है दूसरे नंबर पर हमारे पास लंडन है तीसरे नंबर पर हमारे पास सिंगापुर है तो so, एशिया में नंबर so, वन कौन हुई सिंगापुर uh, और पूरे वर्ल्ड में नंबर वन है न्यूयॉर्क एंड दूसरे नंबर पर है लंडन सो so, हमारे पास इंडिया कहाँ पर रैंक करता है इंडिया का रैंक कहा है सिक्सटी एट्थ दैट इज डेली और सत्तर सेवनटीथ दैट इज मुंबई सो इंडिया के रैंक इन डिफरेंट इंडेक्सेस लाइक थर्ड रैंक है हमारे पास एयरफोर्स इंडेक्स में आ, ए, रशिया यूएसए के बाद हमारे पास तीसरा नंबर आता है इंडिया का और चौथा नंबर आता है चाइना का फोर्टी थर्ड हमारे पास है इंटोलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में हमारा नंबर है फोर्टी थर्ड एक सौ एक नंबर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक सौ बत्तीस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कौन जारी करता है यू एन डी पी और एक सौ पैंतीसवां नंबर है वर्ल्ड पीस इंडेक्स और एक सौ छत्तीसवा नंबर है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में ये कौन जारी करता है दूस इटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क और एक नंबर है हमारे पास प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल हमारे पास वन था अब वन है ठीक है ये कौन जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और वन एटियथ लास्ट नंबर हमारे पास है एन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम टोटल जितनी एक सौ अस्सी कंट्रीज थी इसमें हमारे पास सबसे लास्ट नंबर है वन एटियत टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज अलीवा इज लॉन्च्ड बाय दैट इज़ उड़ीसा तो उड़ीसा ने क्या किया है उड़ीसा की एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है नयागढ़ नयागढ़ उन्होंने क्या किया है उन्होंने लॉन्च किया है हमारे पास एक अलीवा नाम की पहल ठीक है तो ये जनवरी में इन्होंने लॉन्च कर दिया गया था ठीक है तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट की पहल है कहाँ पे नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में तो उन्होंने क्या किया है एक सौ पेज का एक रजिस्टर बनाएंगे ठीक है सबसे पहले ये क्या बनाएंगे सौ पेज का एक रजिस्टर बनाएंगे इसमें हमारे पास जितनी भी लड़कियाँ हैं जितनी भी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं उनकी एज उनकी एड्रेस उनका एजुकेशनल स्टेटस आधार कार्ड कॉन्टैक्ट नंबर ठीक है आ, कितने 48,642 एट एंड गर्ल्स का ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे होगा और ये सारा का सारा डाटा कौन करेगा आंगनबाड़ी के जो uh, कार्यकर्ता हैं वो इस का, न, इ, इस डाटा को देखेंगे और वो उ, उनका ये बनता है कि जो ये लड़कियाँ हैं ये क्या होंगे स्टॉप चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज मतलब कि अठारह साल से नीचे अगर इनकी एज है तो ये इनकी शादी नहीं होनी चाहिए तो ये कर, कर, कौन कर रहा है दैट इज उड़ीसा गवर्नमेंट दैट इज गढ़ डिस्ट्रिक्ट में सो फेस्टिवल ऑफ़ उड़ीसा उड़ीसा के कुछ फेस्टिवल्स हैं लाइक नुआखाई धानू जात्रा एंड रजपव वो हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी एम आर आई सी एम आर का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च सो दैट इज राजीव बहल तो राजीव बहल को क्या मना दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी एम आर सो आई सी एम आर का हेड क्वार्टर दैट इज़ न्यू डेली फाउंडेड इन नाइनटीन इलेवन उन्नीस सौ ग्यारह में फाउंड किया गया था उसके बाद इसको रीन्यूम किया गया था आई सी एम आर दैट इज़ नाइनटीन फोर्टी नाइन में इसको रीनेम कर दिया गया था अब कुछ और है लाइक चीफ साइंटिफिक एडवाइजर कौन है अजय कुमार सूद फिफ्टीन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू और इनको ओथ किसने दिया था सी ठीक है और सिक्सटींथ सिक्सटींथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज़ जगदीप धनखड़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार वाइस चेयरमैन ऑफ नीति सुमन बैरी सी ई ओ ऑफ़ नीति आयोग दैट इज परमेश्वरन अय्यर और चीफ वाइस चेयरमैन तो सुमन बेरी है जो चेयरमैन है दैट इज़ पी एम ऑफ इंडिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का uh, के कौन है दैट इज सुरेश पटेल नो विच कंपनी हैज फायर्ड देयर 300 हंड्रेड एम्प्लॉज ड्यू टू मून लाइटिंग अब मून लाइटिंग क्या होता है जैसे हमारे पास एक कंपनी है वो उसमें जो पर्सन है वो इसमें काम कर रहा है ठीक है अब अगर यही पर्सन क्या होगा पाँच बजे घर जाएगा उसके बाद क्या करेगा ये किसी और कंपनी के लिए काम करेगा तो इसको बोलते हैं मून लाइटिंग तो इस वजह से क्या हुआ जो विप्रो कंपनी है उन्होंने कितने तीन लोगों को क्या कर दिया है अपनी जॉब से निकाल दिया है ठीक है तो मून लाइटिंग हमारे पास इंडिया में काफ़ी कॉमन है जैसे ड्राइवर्स हैं छोटे छोटे जो काम करते हैं लोग ठीक है वो क्या करते हैं कुछ टाइम तक वो अपना काम करेंगे फिर शाम को पाँच बजे के बाद क्या करेंगे वो दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं उसको बोलते हैं मून लाइटिंग बट अगर कोई कंपनी है उन्होंने पहले से ही लिख के आपसे ले लिया है कि आप इस कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय हो और आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते तो उस केस में आपको वो क्या कर सकते हैं कंपनी से फायर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड मून लाइटिंग नौ एज पर दैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एस आर एस रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वट इज़ वट इज़ द अंडर फाइव मोर्टेलिटी रेट इन ट्वेंटी ट्वेंटी इन इंडिया तो 2020 में मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कितना है दैट इज 32 मतलब कि 1000 छोटे बच्चों में से हमारे पास ओनली 32 बच्चे ही मरते हैं तो ये 2020 का डाटा है उस डाटा के बेस पे ये रैंकिंग है ठीक है और 2019 में कितना था ये 2019 में ये 35 था मतलब कि 1000 बच्चे होंगे उनमें से 35 जो है मर जाएंगे ठीक है और अब ये कितना हो गया है इसको हमने रिड्यूस कर दिया है 32 पर 1000 थाउजेंड लाइफ्स के पास नाउ इंडिया एक्सपोर्टेड द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच स्टेट ठीक है तो इंडिया ने पहली बार क्या किया है पहली बार कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड जो मीट प्रोडक्ट है ना प्लांट बेस्ड मीट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है वो हमने किसी बाहर वाली कंट्री को भेजे हैं तो ये किस स्टेट ने किया है दैट इज गुजरात तो गुजरात ने क्या किया है कंसाइनमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मीट तैयार किया है उसको बेचा है कहाँ पे यूएसए को बेचा है ठीक है तो ये कहाँ पे है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे दैट इज़ गुजरात ठीक है तो गुजरात खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से हमने कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट को ये मीट बेस्ड प्रोडक्ट जो है भेजा है ठीक है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी ठीक है जो भी हमारे पास फूड एक्सपोर्ट होता है ना वो एक एजेंसी होती है इंडिया की उसको बोलते हैं एपेडा ठीक है इस एजेंसी के थ्रू हम क्या करेंगे जो कितना भी फूड होगा उसको हम बाहर बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो ये फर्स्ट कंसाइनमेंट प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट अंडर वेगन फूड कैटेगरी में पहली बार किसने फैसिलेट फैसिलिटेट किया है मतलब कि किसकी सहायता से हमने इसको बेचा है दैट इज अपेडा की सहायता से अपेडा हैज़ प्लान टू प्रमोट अ वैरायटी ऑफ वेगन फूड मतलब कि हम बहुत सारा जो वेगन फूड है ठीक है उसको कहाँ पे uh, कहाँ पे एक्सपोर्ट uh, करेंगे दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया इसराइल न्यूजीलैंड एंड अदर तो ये प्लानिंग अभी चल रही है सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू